हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, होम्योपैथिक फिजिशियन। और छोटी छोटी गलतियां हम क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हम सारे लोग कोविड से इन्फेक्टेड हो रहे हैं। कोविड में बहुत छोटी छोटी गलती, लोग कह रहे हैं मैडम हम तो बाहर ही नहीं निकल रहे, हमारे तो कोई मेड भी नहीं आ रही, फिर कैसे हो गया हमारे यहाँ फीवर, कोविड कैसे हो सकता है मैम, कोविड नहीं होगा, सीजनल फीवर होगा। बहुत सारी चीज़ें जब जाँच कराते हैं तो कोविड आ जाता है। मानती हो बिल्कुल आप नहीं कोई काम कर रहे, आप नहीं जा रहे, आप बहुत सेफ्टी यूज कर रहे हैं, आप बहुत ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी कोविड आ रहा है, हो रहा है। तो कारण क्या है, कहाँ हमारी छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है, उन्हें हमें रोकना है। हमारे पहले बहुत अच्छे अच्छे घर थे, पहले पुराने हमारे माँ बाप ने, हमने नानी लोग के यहाँ घर देखा है, बाहर ही हाथ धो के घर के बाहर ही चप्पल पैर धो लेते थे, चप्पल जूते बाहर ही उतारते थे, अंदर ड्राइंग रूम में तो बिल्कुल नहीं आ सकते थे। पहले बाहर एक दलान टाइप से होता था, उसी में हम लोग चप्पल जूते उतारते थे, लेकिन अब क्या हमारे सीधे एंट्री लिविंग रूम में होती है, हमारे जितने भी नए फ्लैट्स वगैरह उन सब में, तो हम चप्पल जूते भी अंदर लाने लगे हैं। हैंड वॉश करने का तो हम बाद में धोते थे, हमने वो भी कम कर दिया था, और बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं ध्यान रख रहे थे, तो अभी हमको वो चीज़ें ध्यान रखनी है, हमको क्या क्या करना है। देखिए छोटी छोटी मिस्टेक है, वो हमें सुधार लेंगे तो शायद हम कोविड के स्प्रेडिंग से बचा जाएंगे। आपको पता है कोविड का इन्फेक्शन दो तरह से हो रहा है, ड्रॉपलेट और एरोसोल। ड्रॉपलेट क्या है वो भी आपको पता है, 0.5 माइक्रोन से ऊपर के साइज़ का है, इसमें बड़ा साइज है, और वो जैसे किसी पेशेंट को कोविड है, उसने स्नीज किया कैसे भी किया और वो ड्रॉप अचानक नीचे गिर गया, टेबल पर, मेरे कपड़े पर या कहीं भी बाहर, ऐसे ड्रॉपलेट हो गया, मतलब सीधे गिर जाता है, एयर में नहीं रहता। दूसरा एरोसोल जो एयर में, एयर से फैल रहा है, मतलब एयर में चला जाता है, फिर मैं इनहेल करूँगी तो मुझे आ जा रहा है, इस तरह हो रहा है। इसीलिए मास्क ज़रूरी है, क्योंकि जिसको हुआ है वो मास्क लगाएगा तो एरोसोल में, और इसमें नहीं होगा ड्रॉपलेट में, और हम यूज करेंगे मास्क तो हमारे अंदर नहीं जाएगा। तो मास्क में भी हम छोटी छोटी बहुत गलती करते हैं, सारे लोग क्या कर रहे हैं, कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं, 95% नहीं यूज कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम जो कपड़े का भी यूज कर रहे हैं उसे भी हम देख रहे हैं धो धो के यूज कर रहे हैं, रोज़ धोआते हैं, उनकी पोरोसिटी ख़राब हो रही है, एक ही मास्क को महीने तक यूज कर रहे हैं, ये भी हमारा गलत है। तो हमको मास्क कम से कम नहीं तो हर पर्सन को 7-8 मास्क लेने चाहिए। और मास्क को जैसे मैंने आज, मैं अभी बाजार गई और सब्जी लेकर अंदर आ गई, आने के बाद मुझे उस मास्क को एक ड्रॉज के अंदर रख देना है और उसको 24 आवर तक इन्फेक्टेड मास्क को नहीं यूज करना, उसे या तो हमें डिस्पोजेबल पहने होते थे फेंक देते, या तो उसके ऊपर हम डिस्पोजेबल लगा कर जाएं उसे फेंक दें। सब कुछ करें, हर एक की कंडीशन नहीं है कि हम नहीं फेंक पाते हैं, कोई नहीं, आप मत फेंकिए, आप उसे 24 आवर्स के लिए अंडर एक ऐसी जगह पर रख दिए जहाँ आप यूज नहीं करते, कोई भी घर में ड्रॉज हो उसके अंदर रखिएगा, उसे फिर तभी छूएगा जब आपका 24 आवर्स आ जाए, उसके अदरवाइज आप दूसरा मास्क यूज करिए, उसे यूज मत करिए, धो धो के बिल्कुल मास्क यूज मत करिए, ये सबसे ज़्यादा स्प्रेडिंग करने का कारण है। हम सोच रहे हैं मास्क लगाएं, जबकि वो मास्क नहीं लगा होता, वो मास्क नहीं होता, अननेसरी का एक कपड़ा होता है, वो बहुत गलत है, उससे हम नहीं बच पा रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम बाहर निकल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, मैं ये कपड़े पहन के जा रही हूँ, यदि एरोसोल में वायरस है तो नॉर्मल सी बात है, एरोसोल का इनहेल होगा तो अंदर जाएगा, मैं मानती हूँ, लेकिन एरोसोल का वायरस ड्रॉपलेट की तरह टच करने से भी तो अंदर आएगा मेरे कपड़े पे, सपोज एरोसोल से मेरे कपड़े तो टच हो रहे हैं ना, तो मेरे कपड़े में आ रहा है, और इन कपड़ों को मैंने क्या करा, सबको लेके नॉर्मल से रख दिया, कुछ भी किया, या वॉशिंग में ही डाल दिया, तो वॉशिंग में भी फिर मैंने सूखने डाला, फिर कहीं ना कहीं मेरी नोज़ से, मेरी आईज से लग गया, तो मेरे को कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड करेगा ये वायरस, वॉशिंग में तो नहीं होगा कुछ भी उसमें, या मैंने ऐसे ही लेके उतार के रखा, फिर मैंने छू लिया करा, मैं कॉमन फर्नीचर पर भी रख दिया तो इन्फेक्शन करेगा। तो मुझे इन कपड़ों को भी बाहर से आके अपने ऐसे एरिया में रखना है जहाँ उतारने के बाद मैं नहीं जाऊँ, 24 आवर्स तक नहीं टच करो, इनको धोना नहीं है, इन कपड़ों को धोने अभी एक इन्फेक्शन फैलाने का हो सकता है, क्योंकि हम लेके धोते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर बाहर डालते हैं, बहुत सारे काम इसमें करने पड़ते हैं, उसमें हम कहीं ना कहीं टच करेंगे और इन्फेक्शन को ले सकते हैं। तो हमको कपड़ा हो अपना चाहे मास्क हो, बाहर से आने के बाद 24 आवर्स के लिए एक ऐसी जगह पे उसे रख देना चाहिए, 24 आवर्स के बाद हमें ज़रूरी नहीं है धोएं, उसे हम पहन सकते हैं, क्योंकि वो उसमें से वायरस का धूप में डाल दें चाहे बाहर रख दें हवा में, वायरस मर जाएगा,
24 आवर्स के बाद वो जिंदा नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं कि हम बाहर जा रहे हैं, सपोज हम बाहर घूमने नहीं जा रहे लेकिन हमारे फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाए, कोई सामान ही लेने सोसाइटी में बाहर ही जा रहे हैं, तो वो हमारे साथ अंदर आ सकता है। हमको मास्क भी अपना यूज करना है, नहीं करना दूसरा यूज करना है, उसे सेफ्टी से रख देना, अपने कपड़े भी अलग से ही रखने हैं, क्योंकि हम बिन सीट वो तो पहन के हर बार तो हम लोग नहीं पहन के जा रहे, नॉर्मल कपड़े ही पहन के जा रहे हैं और हम फिर आके अंदर घर में पूरा दिन उन्हीं कपड़ों में रहते हैं, तो ये भी स्प्रेडिंग का एक कारण हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि बाल हमारे खुले हैं, हम कोशिश करें अपने बालों को कवर करके जाएं, बालों को कवर करके जाएंगे तो बालों के कपड़े को उतार के भी बाहर रख देंगे जहाँ 24 आवर्स तक नहीं छुएंगे और फिर हम अंदर अपना सेफ्टी से अपने घर में सेफ्टी से रहेंगे, एक तीसरा कारण। और चौथा होता है कि हमें शूज़ वगैरह, तो अपने शूज़ वगैरह भी बाहर जो जाते हैं वो शूज़ हम अपने ड्राइंग रूम में ही ले आते हैं या साइड में ही रख देते हैं, तो ऐसी जगह पर मत रखो शूज़ को भी, अपने ऐसी जगह रखो जहाँ मतलब बिल्कुल एक अपने घर का एक कमरा ऐसा कर लो जैसे हमारे यहाँ पहले दलान हुआ करता था, जहाँ पे केवल बाहर से आते थे तभी होते थे, वरना अंदर दिन में घर में कोई नहीं अंदर बाहर नहीं जाते थे, तो वो बाहरी वाला होता था कमरा ना, जैसे बाहर अब गेट के बाहर तो इतनी जगह होती नहीं है लोगों के, लिविंग रूम सीधे स्टार्ट हो गए हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप लोग 24 आवर्स नहीं जाते वहाँ पे उन कपड़ों को रख दो जहाँ हवा धूप आती हो, जिससे वो शूज़ कपड़े मास्क सबसे वायरस 24 आवर्स में निकल जाएगा, फिर आप उन्हें यूज करेंगे तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेटर है कि हम लोगों को अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ही ध्यान रखना पड़ेगा, इन छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे, मास्क को भी आके हम लोग क्या करते हैं मास्क गए लगा के उसके बाद आए तो जल्दी से निकाल के टेबल पर ही रख देते हैं, उसके बाद अपने घर में काम करने लगते हैं, फिर लगता है तो हम कहीं रखते हैं वरना वो टेबल पर ही पड़ा रहता है, तो वो भी रखने का कोई तरीका नहीं है, आपने टेबल पर रखा ड्रॉपलेट इन्फेक्टेड यदि वायरस है तो वो टेबल पर आ जाएगा, वो तो फिर आपकी बॉडी में चला जाएगा, तो आपके मास्क लगाने का कोई यूज ही नहीं हुआ, ना तो आपके मास्क लगाने का यूज हुआ ना आपके ये यूज हुआ कि आपने इन्फेक्शन को रोका, आपने इन्फेक्शन को नहीं रोका, आपने तो अननेसरी मास्क लगाया भी और आप खुद ही ले आए इन्फेक्शन को, तो वो भी आपको नहीं करना है। छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है, ज़रूरी है ये सब चीज़ें आपके लिए, और गहरी गहरी सांस लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हैंड वॉश करने हैं रेगुलर, सैनिटाइजर का यूज है लेकिन जहाँ पानी है वहाँ पानी से ही वॉश करो, अच्छे से वॉश करो, इस बार जो फैल रहा है इस बार बहुत खतरनाक वायरस फैल रहा है, ये जितनी स्ट्रेन आई है वो खतरनाक वाली आई है, इससे बचने के लिए ये एरोसोल में ही है वायरस, ये ड्रॉपलेट वायरस नहीं है, एरो ड्रॉपलेट से कम फैल रहा है, एरोसोल से ज़्यादा फैल रहा है। एरोसोल में ये कि घर से बाहर निकलो ही नहीं, इसका मतलब बाहर एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं वायरस है, इसीलिए हम जब भी सांस ले रहे हैं तो हमको ये फैल रहा है, तो कोशिश करो बाहर नहीं निकलो, हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो ये इन्फेक्शन हमको कम होगा। ओके, थैंक यू।